Hello, I'm Joanna and welcome to the show World of Bollywood. Here we fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who dissed whom? Hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. Kill Dil ki shooting ke dauran, Ali Zafar ke dialogue improvisations ne kaise kiya Ranveer, Parineeti aur Shahid Ali ko pareshan? Hamare saath ek exclusive chat mein in teenon ne kiya reveal. Farhan Akhtar bane International UN Women ke latest कैंपेन ही फॉर शी के गुडविल एम्बेसडर. ना फिल्में ना शादी, आखिर क्या है डायना पेंटी के प्लान्स? जानेंगे खुद डायना से एक स्पेशल स्टोरी में. बॉक्स क्रिकेट लीग के प्रैक्टिस मैच में टीवी स्टार्स ने जमकर बहाया पसीना, राखी सावंत ने फिर किया ड्रामा. और साथ ही दिखाएंगे अपकमिंग फिल्म जिद की स्टार कास्ट, करणवीर शर्मा और प्रियंका चोपड़ा की कजिन मनारा के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट. एक्शन. किल दिल आज रिलीज हो गई है और फिल्म का क्रेजी रॉ और वाइल्ड एक्शन तो ऑन स्क्रीन सबको नजर आ रहा है. लेकिन इन सीन्स की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह, अली जफर और परिणीति चोपड़ा ने कितनी मस्ती और मजाक किया, ये इनसाइड डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की जिंग और ZEDC को दिए एक्सक्लूसिव चैट में. जनाब अली एक दिन बड़े मूड में थे टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिल्म और एक दिन उन्होंने एक सीन को सिर्फ इम्प्रोवाइज किया. मतलब पेपर को फेंक कर कुछ अपना ही कर रहे थे. शाद को बड़ा मजा आ रहा था, सबको ही बड़ा मजा आ रहा था. तो अली ने कहा यार मैं ना ये पूरी फिल्म ऐसे ही करूँगा. तो पहले दिन पे सर मैं यहाँ किसी को डायलॉग बोल रहा हूँ, अली की एंट्री यहाँ से होती है और कुछ बोलना है उसे, और जो बोलना है उसने उस दिन पर इम्प्रोवाइज किया था. तो सीन के बीच में मुझे यहाँ देखना है वो अली अपना डायलॉग मारते हुए ऐसे देखते हो सीन के बीच में चल रहा है, ये क्या कह रहा है, और मेरे फेस पे वो एक्सप्रेशन, ये क्या कर रहा है, क्या रहा है. खैर वो डायलॉग था हम ट्रेन में मारते हैं किसी को. नहीं अली ये नहीं जो आमद होती है तो मैंने गया उसे मारा, क्योंकि मैं कहीं से आ रहा बाथरूम से आके मारता हूँ. तो मैं मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने कहा आपको मौत आई थी मुझे आई थी. तो ये आपका इम्प्रोवाइज किया हुआ डायलॉग है, किसी डायलॉग है? मुझे नहीं पता फिल्म में है कि नहीं. अब हम नहीं है मेरे आका, ये डायलॉग नहीं है अब फिल्म में. पूरे 100 ग्राम की गर्म गोली डाले हैं बॉडी में. एटलीस्ट इसको आदत हो गई थी क्योंकि ये लोग, मैं दावतें शूट कर रही थी तो ये 30-35 दिन शूट कर चुके थे, इनको आदत थी. आप मेरा सोचो कि मैं पहले दिन आई हूँ या दूसरे दिन, और जब अली के साथ मेरे सीन्स होते थे और कुछ और ही होता, आई उसमें पहले टेक के बाद मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने मिस कर दिए क्या डायलॉग्स, क्या हो रहा है, क्या कौन से. एंड मैं भी काफी हद तक स्क्रिप्ट के साथ रहती हूँ, इसका तो मुझे पता है ये रहता है. तो मैं बोल रही थी यार अली अच्छा तू कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज करेगा ताकि मुझे पता है कि मेरे लिए क्या क्यों लेना है. फिर वो भी बता सकता है, वो चल रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू. शाद ज्यादा नहीं टेक करने जैसा था, शाद कहता बस मुझे मिल गया बस आगे. एक्चुअली हम लोग कभी कभी बोलते थे कि सर वी वांटेड टू वन मोर, इज मुझे मिल गया नेक्स्ट. अच्छा ही विजुलाइज कर, मेरा काम हो गया. लाइक ही इज अ, अगर तुमने गंदा टेक किया भी है जो मुझे चाहिए वो तुमने दैट पोर्शन इज गुड एनफ सो ही नोस वेयर ही विल एडिट. और सर मेरा तो सुलेमान कीड़ा है, परमो सर एग्जैक्टली हर फिल्म. हां मैंने कभी रणवीर को अपनी टेक से खुश नहीं देखा. बड़ी बेस्ट इसने डांस करके आया और टेक करके हम दोनों आके बैठे, तो इसने टेक देखा, मैंने कहा बड़ा अच्छा यार कैसा लगा, ठीक हूँ मैं बस. मेरे को क्या करना है, वन मोर करे ना कर यार, वीर ना कर यार. ए नखरीले दो रसीले, हम पे दो नशीले नैनों की आह बौछार हो गई. I'm Chad, you're Ranveer. Just say, sir, one more.
order में बैठे हैं। अच्छा, he is the one who wants the maximum takes. He's never happy. He's never happy. I'm second and he's third. I'm not. ये तो shot दिए बिना ही खुश है। चलो चलेगा। Shot हो गया। क्या जो improvisation इन्होंने take one में किया था? Exactly वो बात है। क्योंकि next time कुछ और आएगी फिर। वो कुछ भी हो सकता है। वो दोबारा नहीं, recreate नहीं मैं कर सकता। दफा हैवी बाइक बुलेट दीदी के हाईवे पे ले जाए और वहाँ पे चलाना शुरू कर दें। मैं चला रहा हूँ फुल हाईवे पे, कहते तेज करो फास्टर फास्टर अली, और रणवीर सिंह मेरे पीछे बैठ रहा है और ये को 80 पे 90 पे स्पीड गई। मैं ऐसे ऐसे मेरे और रणवीर सिंह डिसाइड्स कि मैं तो खड़ा हो जाऊंगा बाइक पे पीछे और मैंने एकदम एक पीछे लड़का देखा तो वो ऊपर कहीं चढ़ा हुआ। मैंने कर मैं कह रहा हूँ ना कर यार, ना कर ना कर यार, बैलेंस जा रहा है, 100 की स्पीड पे जा रहे हैं। मैंने कहा फिल्म, बट दैट वाज हिज वे ऑफ गिविंग यू स्टैंडिंग ओवेशन। आप समझे ही नहीं, इतनी बढ़िया चला रहे हो मोटरसाइकिल तो स्टैंडिंग ओवेशन तो दूं। स्टैंडिंग ओवेशन जिंदगी में कहीं नहीं मिली। मैंने कहा रणवीर करियर शुरू होने से पहले मत खत्म कर यार। आसमान पे लटका है बेचारा, ये जमीन गर्दिश में थी, घूम 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 के मारा यारा। 75 दिन मोटरसाइकिल चलाते रहे, उसके बाद जो नशिस्तें हैं हमारी वो कहीं और बैठने के काबिल नहीं। जिसकी आंखों में है जगमगाती हुई जैसे गहरी शराफत की एक रोशनी, जिसके अंदाज में एक तहजीब है, जिसके लहजे में नरमी है, शब्दों में तमीज है, जिसके दिल में भी और जिसकी बातों में भी औरत के वास्ते पूरी इज्जत भी है, पूरा आदर भी है, जिसको औरत के तन मन का जीवन का सम्मान है, औरत के आत्म सम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है, जो कभी एक पल भी नहीं भूलता, औरत इंसान है, जिसको अपनी भी पहचान है, जिसमें हिम्मत भी है, जिसमें शक्ति भी है, जिसमें गौरव है, आत्मविश्वास है, जो अगर साथ है, जो अगर पास है, उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है, जो औरत का एक सच्चा साथी है, एक दोस्त है, एक हमदर्द है, सच तो ये है, वही मर्द है। स्टाइल एंड इंटेलिजेंस के परफेक्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते फरहान अख्तर की ये पोएटिक स्किल्स नजर आई उनके रीसेंट वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव की प्रेस मीट पर, जहां उनके साथ उनकी वाइफ आधुना भी मौजूद थी। एक्चुअली अपनी मर्द कैंपेन के बाद अब फरहान बन गए हैं द इंटरनेशनल यूएन वुमेन की लेटेस्ट कैंपेन ही फॉर शी के फर्स्ट मेल गुडविल एम्बेसडर। व्हाट मेड यू बेसिकली जॉइन दिस पर्टिकुलर कॉज? इज इट बिकॉज़ यू हैव टू ब्यूटीफुल डॉटर्स? वेल आई मीन दैट टू, बट आई आल्सो नो मेनी अदर पीपल हु हैव ब्यूटीफुल डॉटर्स। इट्स जस्ट समथिंग दैट ट्रबल्ड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट नेवर टुक एनी कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड्स एक्टिवली गिविंग टाइम एंड एनर्जी इनटू ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट इज और हाउ आई कैन बी इन्वॉल्वड। And it came to a point where I really felt that if I didn't do something, it would start really affecting me, which is why it was important that I did. और इसकी अनाउंसमेंट पर फरहान ने पूरे दिल से शेयर किए अपने थॉट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। In a patriarchal society, what happens is that men, I think just by on the basis of their gender, always have goodwill ambassadors, which are their parents. You know, it's the daughters who need goodwill ambassadors more often than not. Truly educating people about treating each other equally, I think the minute that happens and you feel that, okay, I do not consider myself more powerful than the other person, I do not consider that person weaker than me, you will be forced into dialogue. So I think if you start believing in equality, automatically things like violence will start changing. जब किसी ने बॉलीवुड की फिल्मों में हो रहे वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का सवाल उठाया तो उस पर पहले तो फरहान ने एक डिप्लोमेटिक स्टैंड ले लिया। I don't know, you know the thing is that when something disturbs me, I tend not to watch that film. That's the power that you have as the audience. You know, you have the power to reject something if you feel that there's something wrong. Unfortunately, it's a kind of a demand and supply
kind of business. You know, so till something doesn't become obsolete in terms of people demanding it, there'll always be someone who will create it. Lekin baad mein personal media interaction ke dauran, Farhan indeed criticized certain ways of storytelling, which according to him are incorrect. Jo item gaane hain, wo to ek side pe hain. Mere khayal se jo ek usse zyada ek khatarnak jo ek cheez hai cinema mein kabhi kabhi, wo ye hai ki jo romance dikhaya jata hai. और किस तरह से एक हीरो अब हीरोइन को वू करता है तो इट समटाइम्स गोज़ फ्रॉम बीइंग रोमांटिक टू ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन स्टॉकिंग यू नो पीपल उसे चीयर करते हैं और क्योंकि वो हीरो है फिल्म का तो हु इज़ प्लेइंग द सो कॉल्ड स्टॉकर ही इवेंचुअली एंड्स अप गेटिंग द वुमन तो ये जो अजीब सा एक सिग्नल है जो जाता है लोगों तक और कहता है कि अच्छा अगर मुझे किसी से प्यार है तो मैं उसके ऊपर कूदूँ उसका रास्ता रोकूँ उसे छेड़ूँ उसे तंग करूँ उसके कमरे में घुसकर उसे परेशान करूं, उसका उसके सबके सामने उसका मजाक उड़ाऊं, उसे चिढ़ाऊं, तो दीज आर स्ट्रेंज सिग्नल्स एंड देर इज़ ऑफ कोर्स देर इज़ समथिंग नोन एज फ्लर्टिंग देर इज़ समथिंग नोन एज बीइंग मिसचीवियस बट एट टाइम्स दैट लाइन कैन बी क्रॉस्ड एंड देर इज़ अ सर्टन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्ट्रेंट I think that should be shown. चलिए वी होप कि इस तरह की कैंपेन्स के साथ फरहान कई और लोगों को अपने साथ जुड़ने और सच्चा मर्द बनने के लिए इंस्पायर करेंगे औरत के आत्मसम्मान का जिसको हर एक पल ध्यान है जो कभी एक पल भी नहीं भूलता औरत इंसान है जिसको अपनी भी पहचान है जिसमें हिम्मत भी है जिसमें शक्ति भी है जिसमें गौरव है आत्मविश्वास है जो अगर साथ है जो अगर पास है उसके होने से औरत को अपनी सुरक्षा का एहसास है जो औरत का एक सच्चा साथी है एक दोस्त है एक हमदर्द है सच तो ये है वही मर्द सुरुचि महतपुरकर कोरे जिंग मुंबई there are also rumors that you're settling down I'm very settled in my life, thank you. You're getting married. But those rumors happened long ago. I'm still not married, so that's as true as they could be. Well, कुछ दिनों से cocktail film actress डायना पेंटी की अपने boyfriend हर्ष सागर के साथ शादी की तैयारियों की खबरें आ रही थी. लेकिन रिसेंटली एक इवेंट में डायना ने इन सभी रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया those rumors happened long ago. I'm still not married, so that's as true as they could be. Confusing, na? Na Dina shaadi kar rahi hain, aur na hi filmein. To aakhir Dina kar kya rahi hain? I will find a way to travel at least twice a year. Yeah. हमें लगता है कि शायद डायना की पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा वरना डायना अभी तक एक दो फिल्म्स तो साइन कर ही लेती यस ओके सो आई या वेल राइट नाउ आई मीन नथिंग आई डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ बट इन टर्म्स ऑफ आई हैव डेफिनेटली बीन रीडिंग स्क्रिप्ट्स एंड आई हैव बीन मीटिंग पीपल आई एम टेकिंग माय टाइम अबाउट इट बिकॉज़ यू नो आई रियली वांटेड टू बी द राइट प्रोजेक्ट दैट आई डू नेक्स्ट एंड आई फील पॉजिटिव अबाउट एंड आई फील दैट समथिंग विल कम अप रियली सून दैट आई विल बी एबल टू शेयर विद यू से अपनी लाइफ को लेकर डायना का ये कंफ्यूजन नजर आया एक ट्रैवल मैगजीन के कवर अनवीलिंग पर जिसकी वो कवर गर्ल बनी है और यहाँ डायना ने शेयर किए अ लिटिल ऑन हर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली द मोस्ट एडवेंचरस थिंग आई हैव डन अगेन इज इन साउथ अफ्रीका व्हेन वी वेंट सो द शार्क डाइव विद ग्रेट व्हाइट शार्क्स या आई डिडंट एक्चुअली go all the way down but I was on the boat and we you know saw these huge magnificent creatures all the way up close so that was just brilliant well to ye rahi Dina Penty ek travel magazine ke cover page unveiling par good luck to her on finding the right script aisa laga mujhe pehli dafa ये है परिणीति चोपड़ा के बाद प्रियंका चोपड़ा की एक और सिस्टर बारबी चोपड़ा की डेब्यू फिल्म जिद का नया सॉन्ग फिल्म
अपने कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स शेयर की फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स ने एक्सक्लूसिवली हमारे साथ. तो चलिए देखते हैं इनका ये एक्सक्लूसिव चैट. पहली बात तो ये कि मेरा नाम बारबी हांडा चोपड़ा या बारबी चोपड़ा हांडा या मनारा हांडा चोपड़ा या मनारा चोपड़ा हांडा नहीं है. मेरा नाम मनारा है तो प्लीज़ मुझे मनारा के नाम से बुलाइए. एंड डेफिनेटली मेरा नाम पहले बारबी था बट प्रॉब्ली आई जस्ट वांट टू ग्रो अप अ लिटिल बिट. थोड़ा सा बड़ा होना चाहती हूँ और ऑफकोर्स अपनी फैमिली के लिए तो मैं हमेशा ही बारबी रहूँगी. और उनका किरदार भी माँ से ही है कुछ. माया एक 18-20 साल की लड़की है. उसको लाइफ में पहली बार प्यार हो जाता है. तो जब आपको लाइफ में पहली बार प्यार होता है तो सब कुछ कितना सुंदर लगता है ना, कि मतलब मन करता है बारिश में नहाओ. तो वो बारिश में नहा रही है, वो नंगे पैर डांस कर रही है, पानी में गिर रही है, झूले पे झूल रही है. तो इस तरह लड़की की कहानी है बिकॉज उसको जो लड़का है उसकी लाइफ का पहला प्यार है. तो ऑफकोर्स थोड़ी सी मूडी है और इनोसेंट तो है ही. तो जब उसको लगता है कि उसके प्यार के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या उसे लगता है मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है, वो परेशान है, तो वो किस हद तक जाती है अपने प्यार को बचाने के लिए. तो वो थोड़ी इसमें डेंजरस भी हो जाती है, थोड़ी ऑब्सेस्ड भी नज़र आती है. कभी लगता है यार ये लड़की ना लड़की नहीं है, ये भूत है. So there are so many layers to this character Maya in totality. मैं क्राइम रिपोर्टर का रोल निभा रहा हूँ. तो एक क्राइम रिपोर्टर है तो एक सिचुएशन में जो वो फंस जाता है वो कैसे डील करता है. तो ये एक ऐसा किरदार है जो हेडलाइंस बेस्ट देता है. ही गेट्स द इंटरेस्टिंग जिस्ट ऑफ द सिचुएशन एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन फॉर दैट. सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया. तू मिला तो खुदा का सहारा. इनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही खूबसूरत माया से. एक सर्टन एक इनिशियल अट्रैक्शन होती है. फिर जब इनका ऑब्सेशन आ जाता है तो इनको क्या क्या दुविधाएं होती हैं तो वो भी है. फिर इनका एक पास्ट है जो रोहन अचरेकर का है, जो मेरा किरदार है. तो वो जब साथ सामने आता है, किरदार कैसे उससे डील करता है, उसकी कहानी. आराम दे तू मुझे, बरसों का हूँ मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते मैं जगा. अभी हमारे दो गाने रिलीज हो चुके हैं, दोनों ही हिट जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो हम क्या बोलें. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो वही होता है जो आपके घर से आता है. मेरी कज़न प्रियंका ने बोला, लाइक शी ट्वीटेड अबाउट इट. तो वो उसने अपनी तरफ से एक प्यार दिखाया कि अच्छा मेरी बहन की पिक्चर आ रही है एंड ये उसका ट्रेलर है. बहुत एक्साइटेड थी. परिणीति ने, जैसे सबको पता है, शी सेड इट दैट इट्स लुकिंग वेरी सेक्सी. तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज परिणीति के साथ ये है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं. तो जब वो कहती है तो शी मीन्स इट दैट इट्स लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग इंटरेस्टिंग एंड It's an intelligent film for me. इश्क की मौज में आजा पहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए. लगा 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 लगा
ये नजारा है बॉक्स क्रिकेट लीग की दो टीम्स राउडी बैंगलोर और कोलकाता बाबू मोशाय के बीच प्रैक्टिस मैच का। दरअसल ये सारे टीवी एक्टर्स अपकमिंग बॉक्स क्रिकेट लीग जीतने के लिए कर रहे हैं जमकर तैयारी, इसीलिए मैदान पर उतरने से पहले इन्होंने जमकर पसीना बहाया। और यहाँ भी हमेशा की तरह लाइन लाइट बटोरी ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने, जो कि काफी मेहनत से बॉल कैच करने की कोशिशों में लगी थी, लेकिन बॉल थी कि राखी के साथ ड्रामा करने लगी। मूविंग ऑन, चौके छक्के तो खूब यहाँ एजाज खान ने भी मारे, मगर फिर भी उन्हें थी एक शिकायत। लोग कपड़े वपड़े पहनाओ यार, थोड़ा कपड़े क्यों नहीं पहन रहे लोग? आदमी कपड़ा वपड़ा पहन के आए, मैच खेले तो सही लगता है, एक थोड़ा अनप्रोफेशनल तरीका लगा मुझे। मतलब हम घर से पागल थोड़ी ना, तैयार होके अपना नाम का टी शर्ट पहन के हम आए हैं, हमारी पूरी टीम ने कपड़े पहने, आप देख लीजिए इन लोग पूरे ड्रेस के बिना ही आ गए, तो एक ये चीज़ की नाराजगी है। बाकी मैंने भी एक खुशी है, एक चौका तो मारा और एक रन और अलग से लिया, बाकी हमारी टीम बहुत हैवी है। लेकिन अफसोस, इतने जोश और दावों के बावजूद इनकी टीम यानी राउडी बैंगलोर ये प्रैक्टिस मैच हार गई, जिसकी मायूसी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बट इंटरेस्टिंगली ये सब तो अपनी झेप उतारने में जुट गए। क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, इट्स अ वेरी फनी गेम। आज हारे तो क्या हुआ, अगली बार जीतेंगे। पहली जीत मांगे भीख होता है तो आई एम ग्लैड कि हम ये नहीं जीते। ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, पहले हम लोग बताना नहीं चाह रहे कि हम कितना अच्छा खेलते हैं सब टीम्स को, तो हम लोग जानबूझ के आज बुरा खेले। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, तो हम लोग सब बाजीगर है। Well, अब ये इनकी झेप थी या फिर स्पोर्टिंग स्पिरिट, ये तो वही जाने, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। लेट्स होप एक्चुअल टूर्नामेंट में आपकी टीम इससे अच्छा परफॉर्म करे। विश यू ऑल द बेस्ट। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.